नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कपूर, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ जीआई एंड एचपीवी सर्जरी, जेपी हॉस्पिटल नोएडा। आज ग्लोबली हम लोग ओबेसिटी की एपिडेमिक को फेस कर रहे हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान वर्ल्ड में अब तीसरे नंबर पर है मोटे लोगों की जनसंख्या में। यूएस और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर हमारा देश आता है। हम ऑलरेडी, हमारा देश वर्ल्ड कैपिटल है डायबिटीज़ की। आने वाले टाइम में हमारे देश में डायबिसिटी, जहां मोटापा और डायबिटीज़ दोनों साथ साथ होते हैं, इन मरीजों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो बैरियाट्रिक सर्जरी, या जिसको अब हम मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मींस है इन पेशेंट्स को आराम पहुंचाने का, जिससे इनकी कोमॉर्बिडिटीज़ भी इम्प्रूव होती हैं। एवर सिंस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और कीहोल सर्जरी हैज़ कम इनटू बैरियाट्रिक सर्जरी फील्ड, ये सर्जरी पहले से बहुत, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है और आज बहुत तादाद में ऑल ओवर वर्ल्ड ये ऑपरेशन किए जाते हैं। मिनिमल एक्सेस या की होल सर्जरी की वजह से ऑपरेशन के बाद की मॉर्बिडिटीज़ एंड मॉर्टेलिटी बहुत कम हो गई है और आज इसी वजह से ये संभव है कि नंबर ऑफ को मॉर्बिडिटीज़ या प्रीवियसली अनएक्सेप्टेबल हाई रिस्क पेशेंट भी आज इस सर्जरी के द्वारा इलाज किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ओबीस पेशेंट हैव लॉट ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, दे हैव अदर इशूज एंड नॉर्मली दीज पेशेंट शुड बी एक्सटेंसिवली इवेल्यूएटेड बिफोर सर्जरी। इनका प्रॉपर मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व होनी चाहिए इनके असेसमेंट में और इनको ऑप्टिमाइज करने के लिए सर्जरी से पहले। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल शुड गो टू सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस, जहाँ पे एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व है इन लोगों के मैनेजमेंट में।